पर्यटन की दृष्टि से रामगढ़ झील को विकसित करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे चिड़ियाघर सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी, मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडेयन, जीडीओ उपाध्यक्ष अमित बंसल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह सहित वन विभाग, जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिड़ियाघर के निर्माण में आ रही दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए उसके निर्माण में आने वाले लागत की जानकारी ली तथा चिड़ियाघर में जानवरों की उपलब्धता की भी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण में आने वाले धन में कमी नहीं होने दी जाएगी। स्पॉटेड डियर, अंबर, ब्लैक बक, स्वैम डियर, पारासिंगा है, बॉब डियर, पार्किंग डियर, आइना लकड़ बका, वुल्फ, लेपर्ड कैट, जंगल कैट, लेपर्ड, टाइगर, जिब्रा है, जिब्रा हम बाहर से लाएंगे, इनको है। फिर उन्होंने रेप्टाइल्स में सर मगरमच्छ है, मार्श क्रोकोडाइल है, पॉर्क्यूपाइन है, हेयर है, खरगोश है, एक्वेरियम भी है सर, और एक्वेटिक बर्ड्स के लिए है जो पानी में रहने वाले पक्षी हैं, ये सब है सर। आपका लाइसेंस वगैरह? परमिशन चाहिए, परमिशन आपकी परमिशन काफी है ना? दो चार परमिशन मात्र तक है, उसमें कुछ आते हैं सर। आप रिवाइज जो है 42 करोड़ मिला हुआ, हमारे पास 113। कितना पैसा और चाहिए आपको? 113 और 242 का जो गैप है सर, लगभग 120 करोड़। तो ये इसमें क्या क्या कार्य होने हैं सर? जो हमारा जो एंट्रेंस प्लाजा, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ऑडिटोरियम, ये सब जैसे जो नए काम हैं उसकी वजह से जैसे कॉस्ट सर, इसको कैसे आप इतनी जल्दी कर पाएंगे सर? बेसिक जो एनिमल्स से रिलेटेड है जो वो हम संबंध